जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आचार्य शशिकांत पांडे, आज मैं गौ माता का वो दिव्य दर्शन कराने जा रहा हूँ जहाँ पर एक दो नहीं लाखों लाखों संख्या में गौ माता हैं। और आप देखिए ये कितनी गौ माताएँ यहाँ पे हैं, मतलब जहाँ तक आपका नज़र जाएगा। आइए थोड़ा सा और अंदर आकर के आगे बढ़कर दिखाइए, यहाँ जितनी गौ माता हैं यहाँ पे आपका नज़र जहाँ तक जाएगा। इधर से घूमिए, इधर देखिए, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप एक बार गौ माता को प्रणाम करते हैं तो आप समझिए कि 33 करोड़ देवी देवताओं का आपने प्रणाम कर लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश सब इनके अंदर विराजमान है। इनके गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, इनके गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है, इनके गोबर से घर को शुद्ध पवित्र किया जाता है, इनके गौमूत्र में अमृत का वास होता है। ऐसी गौ माता का आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको और दर्शन कराता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस प्रकार से इन लोगों को चारा दिया जाता है। बाबा क्यों सूखा सूखा चारा दिया जाएगा इसमें? चोकर मिलता है। अच्छा, वो मशीन सब इसमें मिला दिया है। इसमें चारा, आप पानी पीने के लिए लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, पानी पीने के लिए आगे हौदी बनी हुई है, सब बंद रही अंदर। अच्छा बाबा, यहाँ पर कितनी गाय होंगी लगभग? 70-80 हजार गाय है। बोलिए प्रेम से गौ माता की जय। देखिए यहाँ पे 70-80 हजार गाय हैं और इनको किस प्रकार से इनको चारा दिया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे ट्रैक्टर में वो सब मशीन से मिला करके भूस आया और अब जो है मैं चलता हूँ। इनको पानी कहाँ दिया जाता है? पानी थोड़ा बाबा हमको दिखाएंगे पानी कहाँ से दिया जाता है। हाँ थोड़ा, अच्छा हाँ। तो देखिए हम अंदर आ चुके हैं गौ माता के एकदम बीचों बीच में अंदर, ये निरीक्षण करने के लिए कि यहाँ पे गौ माता को पानी कैसी। अच्छा देखिए यहाँ पे ये पानी पी रही है। हाँ हाँ, वहाँ पे पानी पी रही है। यहाँ पर ये पानी के लिए इस प्रकार से हौदी बना हुआ है। आ यहाँ पे सब गौ माता अपना, आए छोटे छोटे बछड़े भी हैं और क्या हालचाल है भाई? राधे राधे आप लोगों को। ये सब बनी है, कई बनी है जी, लगभग 2-3 जी जी, एक लाइन में तीन। हाँ। में तीन, उस लेन में, उलेन में, हर वक्त 6 लेनी है, 2 लड़ों के बीच में। अच्छा यहाँ पे 70 हजार जब गाय हैं, हाँ। तो इनकी सेवा के लिए सेवादार आप लोग कितने होंगे? 1500 से ज्यादा होंगे। 1500 से ज्यादा आप लोग सेवादार हैं, हाँ। और आप लोग की मतलब कि रहने खाने की व्यवस्था सब? अच्छा सब मने यहाँ पर, हाँ। तो ये गौशाला बाबा जी कहाँ पर है? नहीं नहीं, ये स्थान बरसाना धाम में रमेश बाबा जी का ये गौशाला है, जिस गौशाला का नाम माता जी गौशाला के नाम से जाना जाता है। और आप लोग यहाँ पे लगभग 1500 के आसपास सेवादार हैं जो कि गौ माता की सेवा करते हैं। और ये जो गोबर ओबर है इसको तो उठाने के लिए सब मशीन से, सारा कार्य मतलब कि मशीन से होता है। अच्छा आप रहने वाले कहाँ के हैं? सागर जिला। अच्छा सागर जिला मध्य प्रदेश के। अच्छा तो
कभी गांव तो जाते होंगे, घर तो जाते होंगे, जाएंगे 15 तारीख को। अच्छा 15 तारीख को जाएंगे, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा और ये बहुत ही अच्छा लगा, हम इसीलिए आज आए कि थोड़ा सा गौ माता का दर्शन कर लेना चाहिए। ठीक है बाबा जी, राधे राधे। यहाँ पे छोटे छोटे गाय के बछड़े हैं, देखिए इनकी बदमाशी, ये जहाँ चुन्नी चोकर का बोरा रखा गया इस पे चढ़ गए हैं। क्यों भैया, आ जाओ, आओ आओ, आ गया। और देखिए ट्रैक्टर कैसे ऑटोमेटिक मशीन खुलेगा, ये अब गेट इसमें से खुलने वाला है। ये बीच में गौ माता का घर है, इन सबको पता है। देखिए सब गौ माता को पता है कि हमारा भोजन आ गया, सब लोग कैसे सब आ रहे हैं। सब लोग इस प्रकार से यहाँ पे 70-80 हज़ार जो गायें हैं उन सबको भोजन की व्यवस्था इस प्रकार से होती है, सब मशीन में ऑटोमेटिक सब तैयारी करके और ट्रैक्टर से लेकर डाला जाता है। आप देखिए सब लोग साइड साइड में हैं, तो एक इनकी मौसी जी आ रही हैं बीच में चलते हुए। जय हो। अब ये इनकी व्यवस्था डिस्टर्ब कर रही नहीं कर रही है। महाराज जी राधे राधे। आप लोग यहीं रहते हैं, मतलब कि यहीं रहते हैं या घूमने आए हैं? नहीं, परमहंस आश्रम में रहते हैं, यहाँ घूमने। परमहंस आश्रम यानी वृंदावन? वृंदावन नहीं, यहीं परमहंस क्रिया कुंड पर। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से घूमने आए। अच्छा रहने वाले महाराज जी कहाँ से आप लोग? बिहार से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जन्मभूमि बिहार है, गुरुद्वारा अयोध्या। अच्छा गुरुद्वारा अयोध्या है, चलिए बहुत अच्छा लगा। तो महाराज जी आप क्या कथा भागवत करते हैं? हाँ पढ़े लिखे नहीं। अच्छा तो क्या माने कुछ ना कुछ संत हैं? हाँ यही साधु सेवा होता है। अच्छा 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 अच्छा, साधु सेवा करते हैं, चलिए बहुत अच्छा। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो कि राधा रानी का धाम मिला हुआ है, अब इससे बढ़ के समझिए कि और क्या हो सकता है। चलिए महाराज जी ठीक है, हमारी गाड़ी आ गई और हमें अब इसमें बैठना है और गाड़ी अब हमारी खुलने वाली है। ये अब मैं अपनी गाड़ी में आ गया। आइए राधे राधे। आपका कौन भूल जा रहे हैं? सत्य सनातन सत्य करके।